हाय फ्रेंड्स, मैं तेजस। स्कोडा सुपर्ब है, डीजल है, ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक वर्जन में। सो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसकी अगर बैटरी डाउन हो जाए तो उसका जो गियर शिफ्टर है, मतलब गियर का जो लीवर है, उसको मतलब कैसे पार्किंग, न्यूट्रल, ड्राइव, एस पावर मोड में, स्पोर्ट मोड में कैसे डाले। अगर बैटरी चार्ज नहीं रहेगी तो गियर शिफ्टर जो हिलता नहीं, वर्क नहीं करता है। सो उसको क्या करना पड़ता है उसको हिलाने के लिए, मतलब न्यूट्रल में लेने के लिए, गाड़ी आगे पीछे करने के लिए। सो इस वीडियो में बताता हूँ। सो आप देख सकते हैं इसका गियर शिफ्टर है। इसको मतलब गाड़ी को जो अभी पार्किंग में मिलेगा नहीं, सो इसको न्यूट्रल में लेना पड़ेगा। देख रहे हैं, मतलब न्यूट्रल में लेना पड़ेगा। सो ये लॉक प्रेस करने में भी गियर शिफ्टर जो पीछे नहीं आ रहा है। सो अभी क्या करना होगा बताता हूँ आपको। इसका जो पैनल है ये वाला, इसको जस्ट स्क्रूड्राइवर से जो है कटाना होगा। स्क्रूड्राइवर से जो है, स्क्रूड्राइवर से जो है इजीली निकलता है। सो आप इसके अंदर एक पीला वाला एक लॉक दिख रहे हैं, ये देखो येलो कलर का जो लॉक देख रहे हैं आप, इसको जो जस्ट नीचे प्रेस करने का, इसको प्रेस करने के बाद इसका जो शिफ्टर है उसको खींचने का। सो आप देख सकते हैं इसको जस्ट प्रेस करने का और इसका जो लीवर है वो पीछे खींचने का। ये देखो अभी जो हिल रहा है, मीन्स इसका जो येलो कलर का ये जो लॉक है, ये दबाने पे ये वर्क मतलब आगे पीछे होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो इसका गियर है वो मतलब पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स में डाल सकते हो, अगर बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो भी इसको प्रेस करके। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।